बाकी फैसला करो सा
अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि मेरे तमाम बहन भाई देखने वाले खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के करम से आप सब बहन भाइयों की दुआओं से आपका भी अल्ताफ बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने अमान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए, और जो परेशान हाल हैं अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन सबको नेक औलाद अता फरमाए। मैं जुमला जितने भी बहन भाई वीडियो देख रहे हैं जिनको इस दुआ की जरूरत है, तो सबके लिए मेरी दुआ होती है अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने सम्मान में रखे। और खास कर एक हमारी सिस्टर है, उसने कमेंट किया है कि मेरे भाई के लिए दुआ करनी है, उसकी औलाद नहीं है, उनका बेटा नहीं है। तो आप सब बहन भाइयों से भी गुजारिश है, जितने भी बहन भाई वीडियो देख रहे हैं, तो दुआ करें उस भाई के लिए, अल्लाह ताला उसे नेक औलाद अता फरमाए, और जिसको बेटों की जरूरत है अल्लाह ताला उसे बेटे अता फरमाए, और जिनको बेटियों की जरूरत है अल्लाह ताला उन्हें बेटियां अता फरमाए। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो करते शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें फौरन आपके पास पहुंच जाए। तो प्यारे बहन भाइयों, मेरी हर वीडियो में सलाम कुछ लंबी हो जाती है, क्योंकि जितने भी मेरे देखने वाले हैं तो मेरा दिल करता है सबके लिए मेरी दुआएं हों, और जिस चीज़ को भी जिस दुआ की ज़रूरत है तो सब देखने वाले जब आमीन कहते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना उस दुआ को कबूल फरमाती है। और कहते हैं कि अगर 40 बंदा दुआ में शामिल हो, 40 बंदा आमीन कह दे, तो वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। और जिनको औलाद की ज़रूरत है, जिनको बेटों की ज़रूरत है, तो छोटा सा वजीफा है, मैं बता देता हूँ, और मेरी हर वीडियो में कोई ना कोई बात होती है इंसानियत के लिए, इंसानियत के फ़ायदे के लिए। और जिस भाई की औलाद नहीं है, जिस सिस्टर ने कमेंट किया है कि भाई आपने दुआ करनी है, सबसे दुआ करवानी है, और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मैं हर नमाज के बाद खुद भी दुआ करूंगा और घर वालों से भी दुआ करवाऊंगा, बच्चों से भी दुआ करवाऊंगा कि अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद अता फरमाए। और उस भाई के लिए वजीफ़ा है, और सब के लिए जिनको बेटों की ज़रूरत है, तो या अव्वलों का विरद रखें, और जब आप अपनी बीवी से मिल रहे हों, अव्वल आखिर तीन बार दुरूद पाक और 25 तस्बीह, यानी कि 2500 बार आपने या अव्वलों पढ़ना है, उसके बाद जो है ना अपनी बीवी से मिलें, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह ताला की ज़ात आपको बेटा अता फरमाएगी। अब चलते हैं जी घर, सुबह की रूटीन हमारी शुरू हो चुकी है, और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतना शिद्दत है गर्मी में, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हवा बिल्कुल नहीं है। हालांकि सुबह का टाइम है, अभी 6:06 है, नहीं 6 भी अभी नहीं बजे, लेकिन गर्मी इतना ज़्यादा महसूस हो रही है, अभी से जो है ना पसीने निकल रहे हैं। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला रहम फरमाए, गर्मियाँ कुछ कम हो जाएँ, लेकिन मजबूरी है, बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये जो है ना तकरीबन 3 महीने गर्मी शदीद किस्म की होगी, उसके बाद जो है ना फिर मौसम काफ़ी चेंज हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कोई पत्ता वगैरह नहीं हिल रहा, गर्मी इतना ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। तो कल भी गर्मी ज़्यादा थी, लेकिन आज जो है ना, आज कल से भी बहुत ज़्यादा शिद्दत है गर्मी में, आज बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, अल्लाह ताला रहम फरमाए। तो मज़दूर बंदे जो बेचारे मजदूरी पे जाते हैं और मशक्क़त काटते हैं, वो बेचारे, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना उनको बर्दाश्त दे देती है, सब्र दे देती है, तो वो काम में अपना सारा दिन जितना भी गर्मी हो काम में लगे रहते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह ताला सब के मालो जान में बेपनाह इजाफा फरमाए, हमारी दुआ है। अब चलते हैं जी घर, और देखते हैं जी रोटियाँ लग चुकी होंगी तकरीबन, फिर नाश्ता करेंगे। और तितर यहाँ आ गया है जी, ये देखें, ओ गंदा बच्चा, चलो घर भागो, चल जोल घर, घर जोल, घर जोल, चल गंदा बच्चा, जुलो जुलो जुलो, शाबाश, कोई डॉग या बिल्ली वगैरह आ गई तो इसे ले जाएगी, चलो शाबाश, घर चलो, घर घर, चलो 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 चलो, गंदा बच्चा, ये बाहर जो है ना लेटने लगा रहा था, अभी भी इसका ध्यान रखना, ये बाहर गया हुआ था। रोटियां माशाल्लाह लग चुकी हैं जी, जी हाँ, गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, ऐसा बन भैया की दुआओं से। और रोटी हमारी लग चुकी है, लस्सी भी तैयार है, प्याज भी तैयार है, किसी बार मेरा नाश्ता करना देसी तो मोस्ट वेलकम, जल्दी जल्दी आ जाए,
इस उम्र में जो है ना बच्चों की तरह संभालना पड़ता है अगर एक दफा खुल के पखाना आ जाए तो कहता है मुझे मोशन लगे हुए हैं बहुत ज्यादा और मेरा कुछ करो मैं बचने वाला नहीं हूँ। अगर अगर तकाजा ना हो तो फिर कहता है मुझे कब्ज हो गई है जल्दी करें दवाई ले आए मेरी कब्ज खुल जाए। अस्सलाम वालेकुम कमल बाजी। वालेकुम सलाम, कैसे हो भैया? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत नियत सब ठीक है। नियत जलेबी दिखा रहे, जलेबी की दिखा, जलेबी तो टेढ़ी मेढ़ी होती है उसमें 100 वाल होते हैं, 100 वाल होते हैं, दिल को 100 वाल नहीं है, 1 वाल है सीधा। चलें जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। पता नहीं मैं तो कहन हमी था कल बेटी नहीं जे पैदा थई मैं उड़े नमी जी जी कल सही जो मैं तो कहन हमी आज इन कुल में पूछने किथा है ए दे मां बनाया आ क्या पूछो मम्मा ऐसे ना पूछो डंडा उठा लगी गई है मैं तो रात वलियां तो मैं को पता लग गए जो वो काहे नहीं माँ तो उड़े रह गया। हाँ क्योंकि अम्मी जान हॉस्पिटल में थी, माँ तो उड़े रह गया। यूसुफ भाई की बेटी पैदा हुई ना, अम्मी जान वहीं पे थी, सास सब परेशान थे, बच्चे भी रो रहे थे, आपका बेटा भी परेशान था, सब हम परेशान थे कि हमारे घर आई, हमारी जिम्मेदारी थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई। एक रात नहीं आई, सुबह मैं रोटी बना रही थी फिर आई। कल इंशाल्लाह ताला आपकी बेटी का घर, बेटी के घर का भी विजिट करेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, हाँ आपके बेटी के घर कल हम चलेंगे, आपने साथ चलना है, ठीक है? उनका घर आपने हमें दिखाना है और बाकी अल्लाह खैर करे। नाश्ता पहले कर ले अम्मी जान, आप अभी कुछ ना कहें, बाद में देखते हैं। नाश्ता रेडी है? वैसे टेंशन तो होती है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल टेंशन हमें इतना ज्यादा हुई, हम पागलों की तरह ढूंढते रहे, हर जगह पे ढूंढा, काफी हम परेशान थे तो, लेकिन अच्छा तो नहीं किया है इसने। सॉरी मांगी है आपकी बीवी के, सॉरी मांगी है, करूँ मैं कैसे सॉरी, मैं वो आपके पैर पाँव पे डाल, नहीं 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 मुझे माफ कर देना, मैं आपको बता रही हूँ, मैं नहीं, वो सासू माँ से पूछ रही है, हमने तो आपको माफ किया, सासू माँ घर पे नहीं थी। चलो मम्मा भी माफ कर देगी, मैं मम्मा है मेरी सोनी, मम्मा मेरी अच्छी मम्मा, मेरी सोनी अम्मा, उन्हें माफ कर दे, तो मैं माफ कर दू। यही बचपना तो इसमें जो है ना, नाश्ता कर लें फिर स्कूल जाएं, ये नाश्ता करें, फिर स्कूल जाएं, ये मेरा है, ये आपका, लस्सी भी ले जाए मम्मी, ये बढ़िया लस्सी आपके अबू की लस्सी बनी हुई है, मक्खन भी लगाया जा रहा है रोटियों पे जी, और प्याज जो है ना सुबह सुबह के टाइम कमल बाजी ने बना लिए थे। आ जा प्यारे बहन भैया, जिसने भी नाश्ता करना है, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, नाश्ता कर ले फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। सब नाश्ता कर रहे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह ताला का, नाश्ता हमने कर लिया, लेकिन आज गर्मी जो हाल कर रही है ना, अल्लाह माफ़ फरमाए, इतनी शदीद किस्म की गर्मी है, हवा बिल्कुल नहीं है, हवा बंद हो चुकी है, अल्लाह ताला रहम फरमाए, बंदा बाहर भी नहीं निकल सकता, पंखे पे बैठा रहे तो कुछ गुजारा चलता है, वरना बाहर बंदा अगर निकले तो शदीद किस्म की गर्मी और पसीने छूट जाता है। तो कौन है? पता नहीं। अच्छा चलें जी, बहर कोई आया हुआ है, क्योंकि डेली का 2, 4, 5, 7 जो है ना वो बंदे आते रहते हैं मुस्तहक बेचारे, तो मैं बहर चलता हूँ, उनकी सुनता हूँ कौन है, उसके बाद जो है ना फिर इंशाल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता हमने कर लिया है और गर्मी की शिद्दत जो है ना, अल्लाह माफ करे, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, और बाजी कमल तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई है, कहने लगी है कि इतनी बहुत ज्यादा गर्मी, मैंने कहा चाक कर नलके में बैठ जाए, इतना वो भी ऐसी भी नहीं है, ऐसी दे बेच मैं सो जाऊं, अल्लाह ताला दे। वालेकुम सलाम।
नौजवान तारे घर धी को रखी तारे था कोई मसला नहीं कोई गाल नहीं चलो बेसहारा है ना कोई कह नहीं तू बस इतना क्यों थी ना इनको कढो ही तो क्यों कढो कढो मैं को आज पता लगे कढो ही को कोई मसला कढो ही चाय डांग दो चा डॉक्टर साहब कढो मादा पिया कढो ही को ना कोई कढो जा रही मैं नहीं जा रही आपको केस आपको कहीं शायद का पता भी नहीं पूछा कहीं के पहुंच के को रखे था बेसहारा या किसी मेरा कोई कह नहीं ही मजा तो सारा रख दी जैसे के कोई कढो ही था दे था करे तू चाओ दे मतलब नहीं नौजवान दी दो सादी इज्जत तो आपको क्या मसला है नौजवान हमारी बेटी है तो ये हमारी जिम्मेदारी है इधर पीछे को पता कीते वे हमें पता है पता कीते जितो दिए जितो दिए तुम्हारा इन नाल कोई वास्ता है एको कढो ये जो ये चाकन है एको कढो अच्छा खैर है खैर है कढो खैर है कोई मसला क्या नहीं खैर है ना ना ये कुछ तो कढो कोई गाल नहीं भाई यार तू सा गाल तोड़े रख तोड़ तरीके तो जब इसने अपनी महीने मेरे को रखा है तुम्हारा क्या वास्ता है मेरे नाम बताओ जरूरतमंद अगर आई आस गिन के और जितना भी जरूरतमंद कोई आस गिन की आंदे अल्हम्दुलिल्लाह जितना तक मेरे को थी संगदी मैं उन्होंने हेल्प करे ना बाकी तुम्हारा हक नहीं बनता कहीं दे घर आके तुसा दांगे छोटे चा गिनो जिंदगी को मैं क्या कुछ करने मैं पता है ठीक है बाकी ये तो राख नहीं बनता तुम डांगे छोटे चाह के हम मैं इतने चाह के लग बना तो डांगे ना अपनी सही तक नहीं तुरी मजाक की पहले गुस्सा हो रहे थे अब क्योंकि ये आपके भाई को भाई बोलती है ना ये मेरा कजन है और ये मेरा भांजा है इन दोनों ने जो ना हमें परेशान कर दिया हम तो वैसे डेली का व्लॉग बनाते हैं जो ही हमने कैमरा ऑन किया हम आपस में बात कर रहे थे पीछे जब आया तो मैंने शक्ल देखी डरावनी शक्ल हुई सीरियसली मैं डर गई फिर मैंने आपके भाई को आवाज दी पता ही मेरे गए जो के को मुंह पास हड़प मैं डर गया मैंने के पता नहीं खैरिया तो क्या मसला इतनी जोर जोर से आवाज दे रही है ये मैंने इन्हें देखा है ये जा रहे हैं क्योंकि ये मेरी फुप्पी का बेटा है मेरा कजन है और ये हमारा भांजा है कजन का बेटा है ये इसका भी भांजा है मैं तो सीरियसली डर गया अल्हम्दुलिल्लाह तो रखी पे
सही है उनके नाल इमदाद शिमदाद ही करी रहो तुहाडे उहे काम ही इमदाद करावण दा हेल्पिंग करावण दा बिल्कुल बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह तुहाडा सही है निजाम असा मजाक उनके नाल अपना करो एक दिन तो मेरा बीपी जो है ना बीपी हाई हो रहा था सीरियसली क्योंकि ये मुझसे छोटे हैं और जिस तरह ये बात कर रहे थे ना तो मेरा मीटर जो है ना घूम रहा था कि इनको शर्म नहीं आती हम बड़े हैं लेकिन हाँ, ये फिर भी कैसी बातें कर रहे हैं। मेरा भी लो थिया था माए के दे तू नाल ता भाई करे ना कोई ही में दो आदमी छुटते हैं ना पर्दे का ना कशे का ते पिछल ता भाई को सा आवाज दी थी अल्ता भाई आ गए या बनी कौन से बच्चे आए इधर से आ गए बोलती बंद हो गई अब ये बोल रही है उसकी बोलती बंद हो इस टाइम पहले डंडा उठाया फिर हमशीरा वो मजाक मजाक कर रहे थे कोई मसला नहीं माशाल्लाह आप लोग भी दोनों डर गए हाँ डर गए हम सीरियसली डंडा तो सही है तेरे लुए वाला वो दो मुंह वाला चौक यही में करके आ गए ये ना ये हमारा ये मेरा कजन भी है ठीक है हमने ये उठाए ये दोनों दोनों और ये सारा जमा कर दिया एक छोटी बात दी आई तो नाक पतला आएगा बूथी चुमा द लायक दी आई ये सिर्फ फारक बंद आई पर तजो आगे डरा दी थी आज आज वैसे कमल भाजी आप डर गए हाँ डर गए सीरियसली ये आप बात करेगा ये जरा दो मुंह वाला लुए वाला उठा के ले गया कमल भाजी बात आगे मेरे आंद्र निकाल आज मेरी पिटाई होने वाली है आज मुझे नहीं छोड़ते ये दोनों मर्द आ गए अल्ताफ भाई आ गए इसने अल्ताफ भाई की माँ भी मैं बच गई हूँ बहन बिरावो सुनो इसकी बोलती बंद हो गई थी हंसी मजाक जो ना वैसे होनी चाहिए चले अच्छा किया इन्होंने ये वो किया प्रैंक किया हमारे साथ हमारा एक टॉपिक भी बन गया क्योंकि यूट्यूबर को टॉपिक की जरूरत होती है ये अचानक जो है टॉपिक मिल गया हमें भी पता नहीं चला कि वीडियो बनी है कि नहीं बनी है हाँ बाकी बैठ ना किया करें जितने भी हमारे देखने वाले हैं हमारे लिए दुआ किया करें अल्लाह ताला हमें अपने मकसद में कामयाबी अता फरमाए क्योंकि हमारा मकसद जो है ना बहुत बड़ा है और इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी जिंदगी है हम इसी मकसद को लेकर चलेंगे जो जरूरतमंद हैं मुस्तहक लोग हैं इंशाअल्लाह ताला अजीज हम उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे जितना भी हमसे हो सकेगा बाकी आप सब बहन भाइयों की सपोर्ट की और दुआओं की जरूरत है हमारे लिए दुआएं करते रहा करें अल्लाह ताला सब को दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए जितने भी यूट्यूबर यूट्यूब पे काम कर रहे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं अल्लाह ताला सब को कामयाबी अता फरमाए क्योंकि जो भी यूट्यूब पे या टिकटॉक पे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे आ रहा है तो वो सब यही चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊँ मुझे व्यूज़ आए अल्लाह ताला मुझे कामयाबी अता फरमाए लेकिन हमारा जो मकसद है हम यूट्यूब पे इसलिए आए ताकि हम मुस्तहक के लिए कुछ कर सकें गरीबों के लिए कुछ कर सकें तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम करते रहेंगे क्योंकि हमारी ताकत नहीं थी हम खुद इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे जितना ये सब कुछ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें एक ज़रिया बनाया है और हज़ारों फैमिलीज अल्हम्दुलिल्लाह इससे जो है ना फ़ायदा उठा रही हैं जो मुस्तहक फैमिलीज होती हैं तो हम कोशिश करते हैं जो मुस्तहक फैमिलीज हैं तो उनके पास जाते हैं उनके जो घर के हालात होते हैं तो वो आप सब बहन भाइयों को दिखाते हैं जो मुखय्यर हज़रात हैं तो वो फिर उन गरीबों की हेल्प करते हैं मदद करते हैं इसमें जो है ना हमारी मेहनत है बाकी करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है और अल्लाह ताला उन सब के मालो जान में बरकत अता फरमाए जितने बहन भाई ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गरीबों के लिए सोच रहे हैं गरीबों की हेल्प कर रहे हैं अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे सल्यूट है उनको सीरियसली बहर बैठ कर फिर भी अपने मुल्क की आवाम के लिए सोचते हैं क्योंकि अब मुल्क पाकिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं इस वक्त हर बंदा परेशान है सफ़ेद पोश तबका जो है ना वो ज़्यादा परेशान है जो किसी से मांग नहीं सकता किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता वो काफ़ी परेशान है जो मांगने वाला है वो मांग कर अपना सिस्टम चला लेता है लेकिन जो नहीं मांग सकता बेचारा वो काफ़ी परेशान है अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए अल्लाह ताला सबको सलामत रखे तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए और हमें रखिए दो याद फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद अल्लाह हाफिज़।